तो हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टैग टेक्निकल एम के में आपका फिर से स्वागत करता हूं गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो है कि ट्रूफोन ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कहां सेव होती है गाइस। जी हां, अगर आप भी ट्रूफोन एप्लीकेशन का यूज़ करते हो और आप जानना चाहते हो कि ट्रूफोन एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कहां सेव होती है गाइस, तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पावरफुल होने वाली है गाइस। तो गाइस आप लोगों ये वीडियो को ध्यान से देख लीजिए गाइस। तो गाइस सबसे पहले गाइस आप लोगों को ट्रूफोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना गाइस। तो गाइस यहां से मैंने ट्रूफोन एप्लीकेशन को ओपन कर लिए गाइस। ट्रूफोन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को यहाँ पे देखने मिला इंटरफेस। तो गाइस हम आप लोगों को एग्जाम्पल के तहत दिखा देते हैं। ये कॉल है, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर की कॉल लगाई 198, उसके बाद मैंने डायल करने के बाद गाइस आप यहाँ पे देखने लगे कॉल रिकॉर्डिंग, इसका हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कॉल रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड को मैं इसको कट कर देता गाइस। मैंने गाइस आप लोग यहाँ पे कट कर दे गाइस। तो गाइस आप ये कॉल तो रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन आप यही कॉल को जानना चाहते हो कि कॉल रिकॉर्ड ये हुई लेकिन ये कहाँ सेव हुई गाइस ना गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देना गाइस। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोगों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। तो गाइस जाना है फाइल मैनेजर में, कहाँ जाना है फाइल मैनेजर में। तो गाइस यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया मैंने। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पे देखने मिला ऑल फाइल्स, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखने मिला है इंटरनल स्टोरेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है गाइस, और स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और आप लोगों को इस तरीके का स्क्रॉल डाउन कर लेना गाइस ना गाइस। तो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखने मिल रहा है कॉल रिकॉर्डिंग, अगर ये ऑप्शन आपको लोगों को भाई देखने मिल जाए तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग TPP क्लिक करके आप लोगों को वहीं पे क्लिक कर देना गाइस। तो गाइस यहाँ पे मेरा ये अंदर देखने मिल गया, तो हमने अंदर पे क्लिक कर लिया है। अंदर पे क्लिक करने के बाद आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जी वाली कॉल यहाँ पे हमने अभी लगाई, कई कॉल यहाँ पे लगाई, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉल हैं तो यहाँ पे सेव हो चुकी है गाइस। यहाँ से आप यहाँ पे सुन भी सकते हो गाइस ना गाइस, इसे यहाँ पे चला के आप सुन भी सकते हो। इस तरीके से आपको अपने ट्रूफोन एप्लीकेशन में जो भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो गाइस यहाँ पे यही सेव हो जाती है गाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजी तरीके से सुन सकते हो गाइस ना गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको ट्रूफोन एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ढूंढने में कोई दिक्कत परेशानी मालूम पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्दी से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक टेक्निकल एमके में बाय।